जी अब बताइए क्या न्यूज़ है? क्या कर रहे हैं आज आप? ये सर कौन हो जाए? नहीं भाई, ये न्याय लेने के लिए आई हूँ पूरा पुलिस स्टेशन। जैसे मुझे पता है कि मुंबई पुलिस हमेशा मेरी सहायता कर रही है और आगे भी करेगी। न्याय लेने आई हूँ, 5 मिनट में आपको बता देती हूँ। और ये फाइल क्या है, इसमें क्या क्या लिखा है? 5 मिनट रुकिए, मैं आपको सब कुछ खुलासा करती हूँ। 5 मिनट बाद अभी का कुछ अभी लगा बूम लगा करना बाइट। 5 मिनट रुके, मैं जो तीन तीन धर्मों को चला रही है, तीन तीन धर्मों का कार्ड प्ले कर रही है राखी सावंत, उसके खिलाफ मैंने FIR किया है। उसके खिलाफ मैंने एफआईआर किया है और ये झूठा FIR नहीं है। जैसे कि राखी अंदर जाती है, बाहर आती है और बोलती मेरा FIR हुआ है, तो मैं अपने FIR की डेट और टाइम भी आप लोगों को बताना चाहूँगी। मेरी FIR की डेट है 16 तारीख, टाइम है शाम के 7 बजे का, सेक्शन लगे है सेक्शन 509, सेक्शन 504, सेक्शन 506 और 500। वन मोर थिंग, राखी सावंत के मशहूर एडवोकेट जिनका लॉ पूरी तरीके से हुआ नहीं है, जो उनका बहुत कच्चा है होमवर्क, उनके खिलाफ मैंने कंप्लेंट की है। दिखाओ थोड़ा सा, ये क्या है, इसमें क्या लिखा है बताइए ना। तो इसमें लिखा है कि वो ऑन कैमरा राखी को सिखाते हैं कि तू बोल राश्री के खिलाफ, राश्री ने तेरे घर पे आके तेरे पर्स में से पासपोर्ट चोरी किया है। तो मैं काशिप को बताना चाहती हूँ कि ऐसे लॉयर होंगे तो राखी तो जीत ही जाएगी, और जीतना तो झूठा ही है खैर, तो फिर भी अगर आपके जैसे लॉयर अगर राखी रखेगी तो राखी की जीत तो निश्चिंत है। और कौन कौन सी धाराएं लगाई हैं आपने उनके ऊपर? अभी तो जैसे मैंने कहा कि मेरे FIR में जो मैंने आपको बोला 509, 504, 506 और 500, मैं फिर से दोहराना चाहूँगी, FIR हुई है 16 सितंबर शाम को 7 बजे, आज 26 सितंबर है और मैं आज रिवील कर रही हूँ। तो ये राखी जैसी कोई झूठी FIR नहीं है जो अंदर गए बाहर आए और FIR हो गई। वो कौवा, झूठा कौवा, सिर्फ झूठ बोलता है और कुछ नहीं होता उससे। राखी, FIR इतने दिन होने के बाद आप बाहर क्यों आए? क्या कोई प्रेशर रहे आपके सर पे, या क्यों मतलब इतना अचानक से आप इतने कम से कम 10-11 दिन के बाद आप बाहर आ रहे हो? देखिए, बप्पा की मर्ज़ी थी, मैंने ये सोचा था अब मेरे घर में बप्पा आ रहे, उन दिनों मैं बहुत बिजी थी और कल का लास्ट डे है बप्पा का, तो मैंने सोचा था जब बप्पा की मर्ज़ी है, बप्पा मुझे न्याय मिला के दे रहे हैं, ओशिवरा पुलिस स्टेशन मुझे न्याय दे रहा है, तो क्यों ना मैं आज बाहर आऊँ, कल का लास्ट डे है बप्पा का, और इस वजह से मैं आज सबको बताना चाहती थी, देखिए मेरे घर बप्पा आए और मुझे न्याय मिला। BMW कार मिली है राखी को? जी, मैंने देखी है शायद पिक्चर में, वो कोई कबाड़ा गाड़ी एक कबाड़े को मिली, जो एक कार है अपने आप में बहुत बड़ा कबाड़ा है, और जिस इंसान को मिला है वो दुनिया का सबसे बड़ा कबाड़ा है। अच्छा, राखी सावंत कह रही हैं कि उनकी बायोपिक बन रही है और उसमें विद्या बालन और साथ ही साथ आलिया भट्ट भी काम कर सकती हैं, आपको क्या लगता है, करेंगी क्या वो काम राखी सावंत की बायोपिक? तो क्या आप लोगों ने विद्या बालन एंड आलिया भट्ट से बात की, क्या वो लोग काम करना चाहते हैं? राखी सावंत की 3rd क्लास बायोपिक में किसको इंटरेस्ट है? राखी सावंत की बायोपिक नहीं बनेगी, राखी सावंत के क्राइम पेट्रोल के एपिसोड बनेंगे और उसमें राखी सावंत खुद ही काम करेगी। और क्या जब बायोपिक अगर बनती है आपको क्या लगता है कि आपका किरदार कौन निभाएगा? मेरा किरदार कौन निभाएगा? देखिए, मैं चाहूँगी मेरे किरदार के लिए उन लोगों को मुझे खुद को अप्रोच करना चाहिए, मेरे खुद अप्रोच करेंगे तो मेरा किरदार मैं बहुत अच्छे से निभा सकती हूँ। हालांकि वो बायोपिक उनकी क्या स्टोरी होगी, वो 3rd क्लास बायोपिक, वो झूठी कहानी, वो ये लोगों के पास, वैसे तो कहती है मेरे पास पैसे नहीं है, और बायोपिक बनाने के लिए कहाँ से पैसे आ रहे? मैं आप लोगों के थ्रू ओशिवरा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी होकर एक न्यूज़ देना चाहती हूँ, राखी सावंत के पास पैसे है या नहीं है पता लगवाइए,
उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है पता लगवाइए, उसके अकाउंट जो फ्रीज है उसमें कितना पैसा है पता लगवाइए। जी बायोपिक में विलन कौन रहेगा जी? बायोपिक में विलन कौन रहेगा वो नहीं पता है, पर मेरी जिंदगी का विलन जो मुझे बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है, तीन तीन धर्मों वाली राखी सावंत जी, कल बप्पा का विसर्जन है क्या? एक सेकंड, धर्म धर्म की बात आपने किया है राजश्री, ऐसा कह रहे हैं कि मतलब आपसे भी सुना था कि मतलब वो धर्म वगैरह कुछ तो होने वाला है, वो आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे तो अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ तक मुझे पता है कि तीन धर्म हो चुके हैं, पहले वो हिंदू थी, उसके बाद वो कैथलिक हुई, उसके बाद वो मुस्लिम हुई, और कुछ दिन पहले उन्होंने फिर से इस बात को इस कोशिश की है धर्म को वापस चेंज करने की, वो वापस हिंदू होना चाहती थी। जी बिल्कुल, जब आदिल जेल से बाहर आने से पहले उनका एक किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था, क्या नाम है उसका? लकी। लाया, ही सो लकी मैन, लकी बेचारा अनलकी हो चुका है, और वो लकी के वजह से फिर से हिंदू धर्म अपनाना चाहती थी। तो ये लड़की कर क्या रही है, ऑलरेडी इतने धर्मों के साथ खेल चुकी है, अब उसका नया नाटक चालू हो गया है कि उसको अबाया नहीं पहनना है। जब आपको अबाया नहीं पहनना था तो इतना मुस्लिम धर्म का आपने मजाक क्यों बनाया, ये मैं आज इसलिए सवाल कर रही हूँ। इसके पहले मैंने राखी के अबाया को लेके, उसके धर्म को लेके बात नहीं की। कुछ दिन पहले आदिल मेरे घर आते हैं आरती के लिए, और उन्होंने सरासर एयरपोर्ट पे खड़े होके हिंदू धर्म का मजाक बनाया राखी ने। राखी का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, वो एक नास्तिक औरत है, एक काफिर औरत है, उसका खुद का कोई धर्म नहीं है, तो आप दूसरों के धर्म को क्यों टारगेट कर रही हो? राखी सावंत, अब आपने मुस्लिम धर्म अपनाया हुआ है और उस वजह से आपने बहुत तमाशे भी किए हैं, आपको अबाया पहनना पड़ेगा, आप बिना अबाया की अब नहीं घूम सकती। अदरवाइज मैं पब्लिक को कहना चाहती हूँ, जो राखी सावंत आप लोगों के धर्मों का खेल बना रही है, आप आवाज़ उठाइए, वरना हर कोई, क्या कल को आप लोग चाहते हो कि मैं भी अबाया पहन के रोडों पर घूमूं? क्योंकि राखी सावंत को आप लोग उसको इतनी परमिशन दे रहे हो, आज तीन तीन धर्म ने राखी सावंत को परमिशन दे रखी है कि हाँ भाई तुम्हें जो हमारे धर्म के साथ करना है तुम करो, और वो कर रही है। उसको ये परमिशन कौन दे रही है? सब धर्मों के ठेकेदार खुद दे रहे हैं, इस वजह से उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ता जा रहा है, उसका कॉन्फिडेंस तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और राखी सावंत का अबाया नहीं उतरना चाहिए। अगर तुमने मुस्लिम धर्म अपनाया है, एक और उसने बोला है कि उसको ज़बरदस्ती मुस्लिम धर्म अपनाया गया है, ये झूठ बात है। मैं उसके साथ थी, उसने अपने मन से मुस्लिम धर्म अपनाया है, अब नाटक करना बंद कर, अबाया तो तुम्हें पहनना पड़ेगा। अबाया वो कब पहनती है? जब आप लोग सामने होते हो, अकेले में आप लोगों ने उसको कितनी बार रोडों पे भटकते हुए देखा होगा, हालांकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, तब तो अबाया नहीं पहनती है। और क्या बोलती है? मैंने अबाया पहना है, मुझसे दूर रहो, मैं आदमियों को टच नहीं करने देती। कैमरे के पीछे क्या करती है राखी सावंत? दे दूं मैं वीडियो, सारे वीडियो बाहर आएंगे कि कैमरे के पीछे बिना अबाया की क्या क्या करती हो। और क्या कह रही थी वो? गोल्ड, मेरा गोल्ड बेचा, मेरे घर में चोरी हुई, किसने देखा गोल्ड लोखंड वाला में, किस ज्वेलर्स को किसने बेचा, ये भी बता दूं मैं? सारी चीजें हैं मेरे पास। नहीं नहीं, देखिए बताइए ना राशि जी थोड़ा तो बताइए कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि ये टीजर हो जाएगा, जनता कंफ्यूज हो जाएगी। मुझे एक बात बताइए, एक ही गोल्ड को उसने कम से कम 4-5 बार बिकवाया। उसने पहले बोला कि मैंने आदिल को जब पैसे दिए मैंने अपने माँ के जेवर बेचे। उसने बाद में कहा जब आदिल घर छोड़ के भाग गया तो मेरे माँ के जेवर लेके भाग गया। तो मतलब कितनी ज्वेलरी थी? कितनी ज्वेलरी थी ये भी है। जितनी भी ज्वेलरी थी राखी को बहुत अच्छे से पता है, और लोखंड वाला में कौन से ज्वेलर्स को बेची है, उस ज्वेलर्स के अकाउंट से, वो जो उसके बैंक स्टेटमेंट में जो एंट्री है, वो भी राखी सावंत ही आपको बताएगी। कितने की ज्वेलरी बिकी थी अगर आप ये बता दो? आप थे वहाँ पे क्या? लमसम अकाउंट अगर आप मैं शुरू से ही थी। मेरी गलती ये हुई है कि मैं राखी सावंत पे ट्रस्ट करती थी और उसका मैंने साथ दिया। जब मुझे पता चला कि राखी सावंत का साथ देना एक मेरी बेवकूफ़ी है, और मैं बेवकूफ़ थी ये बोलने में मुझे शर्म नहीं आ रही है, लेकिन आज राखी सावंत के वजह से मुझे थोड़ी समझदारी आई है, इस वजह से उसी के खिलाफ मैंने FIR किया है।
राक्षी जी तनुषी दत्ता, तनुषी दत्ता भी केस में आई है और तनुषी ने भी यही बात बोली है कि राखी धर्मों का मजाक उड़ा रही है, उसने ये भी बोला है कि इसको पूरा सनातन मैं याद दिलाऊंगी। बिल्कुल सही कह रही है तनुश्री दत्ता। तनुश्री दत्ता के साथ तो उन्होंने बहुत गंदे जुल्म किए हैं। हालांकि सिर्फ तनुश्री दत्ता ये बात नहीं कह रही है, बहुत से लोग हैं जो बैक ऑफ कैमरा बोल रहे हैं, बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे जिसके साथ राखी ने इतने अत्याचार किए हैं ना लोगों पे। राखी को लगता है वो धर्म के कार्ड खेलेगी, रोएगी, ड्रामा करेगी, ज़मीन पे बैठेगी, बाल खड़े कर लेगी तो लोग उसकी बातों में आएंगे। राखी सावंत, तुम्हारा टाइम चला गया है, तुम्हारा झूठ पकड़ा जा चुका है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम सच्चाई के साथ सामने आओ, अरेस्ट हो जाओ, या भाग जाओ रातों रात यहाँ से। तुम्हें दो ऑप्शन दे रही हूँ मैं। जिंदगी अपनी बचानी है तो निकल ले यहाँ से, भाग जा, या सामने से आ, अगर तुझमें हिम्मत है तो सामने से आ और अरेस्ट कर ले अपने आप को कि बोल दे मैंने किया हुआ है सब कुछ। तो तुझमें हिम्मत नहीं होगी राखी सावंत। क्या एक तो तेरी औकात नहीं है राखी सावंत। तूने मुझे बोला कि राश्री मोरे कौन है, राश्री मोरे मेरा पर्स पकड़ के खड़ी रहती है, तेरी औकात है, ये है राश्री मोरे। तुझे आज तेरे ऊपर FIR किया है, तुझे जेल डालेगी राश्री मोरे, और राखी सावंत तू जेल जाएगी। मैं आज ये अपने आप से वादा करती हूँ। मैं एक चीज और बताती हूँ, राखी के लिए अगर मैं इतना लड़ सकती हूँ, राखी के टाइम पे मैंने अपना काम वाम सब कुछ छोड़ के सब दाव पे लगा दिया और राखी के लिए खड़ी थी, तो राखी सावंत तू ये सोच कि मैं अपने लिए कितनी खड़ी रहूंगी। तुझे तेरी असलियत दिखा के रहूंगी और तू जेल जाएगी, ये तो निश्चिंत है। अभी अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आप इतना कोप गए हो, इतना कुछ बोला या मतलब क्यों ऐसे अचानक से? क्योंकि आप बप्पा में इतने लीन थे, हमने भी देखा कि आप घर से भी नहीं निकल रहे थे कहीं, आप यहाँ तक आप स्टूडियो भी नहीं जा रहे हो, इनफैक्ट आप इंटरव्यू के लिए भी आप रेडी नहीं हो रहे थे। बिल्कुल, देखिए देखिए मेरी देखिए 16 तारीख को मैंने FIR की है, आज 10 दिन हो गए, मैं अपना मुंह बंद करके शांति से बैठी हूँ। यहाँ से वो कौवा फड़फड़ाता हुआ एयरपोर्ट चला जाता है, वो कौवा वहाँ के काऊ 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 कर रहा है, फिर वहाँ से वो मैसूर चला जाता है कौवा, वहाँ पर भी बैठ के काऊ 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 कर रहा है। वो कौवे को तो मैं ऐसा उड़ाऊँगी ना, वो पितरू का खाना खाने वाला वो कौवा। मैं चुपचाप बैठी थी, मैंने ये सोचा था कि चलो जाने दो, मैं देखती हूँ, अभी मेरा FIR हो चुका है, मैं अभी रिवील नहीं करूँगी। आज इस लड़की ने मुझे मजबूर किया है कि मैं बाहर आऊँ, मेरे घर पे बप्पा है, उसके बावजूद आज मैं उशूरा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ और मैंने रिवील किया है इसलिए कि राखी सावंत तो अपनी औकात में रहे और अपने मुँह को है ना ताला लगा, वरना तू इतनी गंदी जाएगी ना अभी, क्योंकि तेरे सारे हम तुझे फंसाएंगे नहीं, हम तेरा सच बाहर लेके आएंगे, सिर्फ सच। अब तेरा जेल जाना निश्चिंत है। राशि, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि आप खाली कैमरे पे आने के लिए, फेम पाने के लिए ये सब कर रहे हो, क्या आपको सच में फेम की इतनी ज़रूरत है? देखिए, अगर मुझे फेम पाना होता तो मैं राखी के घर पड़ी रहती, राखी के बिल्डिंग के नीचे, राखी के दरवाजे पे, या राखी की जो सो कॉल्ड अकेडमी जो कभी ज़िंदगी में खुली ही नहीं, मैं वहाँ पड़ी रहती। राखी मेरे दरवाजे पे क्यों पड़ी रहती है? राखी मेरे नेला स्टूडियो में क्यों पड़ी रहती है? राखी मेरे घर में क्यों पड़ी रहती है? अभी आप मुझे बताओ, मुझे फेम की ज़रूरत है या उसको ज़रूरत है? कौन किसका यूज़ कर रहा है? आपने ऑलवेज देखा है, जनता ने ऑलवेज देखा है, दिन रात मेरे घर में और मेरे दुकान में पड़ी रहती है। तो राखी सावंत का फेम मुझे नहीं चाहिए, और कौन सा फेम राखी सावंत का फेम ही है, ये गंद है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप राखी के साथ इसलिए थी ताकि आपका नेल आर्ट स्टूडियो जो है थोड़ा हाईलाइट हो जाए। क्या सच में आपके नेल आर्ट में ऐसा था? देखिए, 12 साल से मैं काम कर रही हूँ, मैं पहले से ही बहुत हाईलाइट थी, मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने एक दुकान से 4 दुकानें बनाई हैं। तब राखी सावंत कहाँ थी? आपके क्लाइंट कैसे कैसे हम मेरे मैं नाम नहीं लूँगी, बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स मेरे हैं, जो बड़े बड़े कोरियोग्राफर, डायरेक्टर, जो हीरोइंस है वो तक मेरे क्लाइंट है। टीवी मेरे पास 75% टीवी का पूरा क्लाइंटल है, और उसके अलावा देखिए, हम मुंबई में रहते हैं, यहाँ पे हर कोई अपने आप में एक सेलिब्रिटी है। मेरा क्लाइंटल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे घर का आता है। एक राखी सावंत ही आती थी कबाड़ा मेरे पास, बाकी सारे अच्छे ही है। बिल कितना पे करती थी राखी सावंत? उसने ये बोला है कुछ दिन पहले किसी इंटरव्यू में कि मैं राश्री को पैसा देना चाहती थी और राश्री मुझसे पैसे नहीं लेती थी। तो आज इतने सारे चैनलों में के सामने मैं बोल रही हूँ, राखी सावंत भिकारन
कोलैबोरेट करने वाली लोगों के साथ, भीख मांगने वाली तू, तीन तीन धर्मों वाली, ठीक है, 8 साल जितना तूने मुझसे लिया है ना फ्री का, अगर तुझमें शर्म है ना बेशर्म औरत, मुझे है ना पैसे भिजवा दे, चल तू सब पूरे कैमरे के सामने पैसे भिजवा दे, एक रुपया नहीं दिया है उसने मुझे कभी। राशि मीडिया पे भी बहुत सवाल उठ रहे, आपने हम लोगों को कितना पैसा दिया है वो भी बता दो, क्योंकि हाँ ये सवाल उठ रहे कि आप हम लोगों को पैसे अगर दिए तो हमको बिल भी दिखाई दे रखना है। जी जी जी, ये किसी हम लोगों को सवाल किसने उठाया है, ये राखी का आपसे पैसे लेकर आपको कवर करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आपको आदिल को हम लोग पैसे वो देते हैं और हम लोग कवर करते हैं। देखो देखो यही यही मैं सबसे सबसे फिर से मैं एक ही चीज़ बोलूंगी कि ये सवाल राखी सावंत ने उठाया है, राखी सावंत की बातों में कितनी सच्चाई है, डे वन से लेके आज तक उसने एक भी सच बात बोली है? कोई एक प्रूफ देने बोल दो प्लीज, क्योंकि ये हम लोग तो ये राखी सावंत को तो देना पड़ेगा। राखी सावंत सुन मेरी बात, मैं फिर से बोल रही हूँ तुझे, ये अपना जो मुँह खोलती है ना तू, नाले वाला मुँह, ठीक है, वापस डिफेमेशन कर ले मेरे ऊपर, मैं ओशुरा पुलिस स्टेशन के बाहर ही खड़ी हूँ, क्या करेगी, डिफेमेशन करेगी, नाले वाली तू, नाले जैसा मुंह तेरा, तू ये साबित कर दे कि कितने मीडिया को मैंने पैसे दिए हैं और कितने लोगों ने मुझसे लिए हैं, क्यों आज ये क्या कर रही है मीडिया को, ये जानबूझ के आप लोगों को टारगेट कर रही है ताकि सच्चाई लोगों तक ना पहुँचे। अगर वो ये सब आपके ऊपर एलिगेशन लगाती है कि मैं पैसे बांट रही हूँ इसलिए सब कुछ हो रहा है, तो आप लोग सच्चाई पहुँचाना बंद कर दोगे। राखी सावंत तुम्हारे बाप के खरीदे हुए नहीं है ये लोग, समझी, इनका काम है, मीडिया का काम है सबकी साइड रखना, सच दिखाना, सच झूठ इनका काम नहीं है, सच झूठ कोर्ट देखेगा, इनका काम है लोगों तक हर बात पहुंचाना, तुम्हारे बाप के गुलाम नहीं है कोई, क्योंकि ये हम लोगों का काम है सब साइड दिखाना। लेकिन हम हमारे ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, हमने वही सोचा इस बार जब राशि मिलेंगे हम उनसे पूछे, अरे आपने कितने लाख रुपए हमारे ऊपर उड़ा दिए, यही कह रही हूँ, यही कह रही हूँ, राखी सावंत जो से बोलिए वो प्रूफ लाके दे, कि लाके दे राखी सावंत, उसमें चैलेंज ट्रांजेक्शन अगर है मीडिया वालों ने लिया तो 1 रुपए का भी कुछ भी, बिल्कुल राखी सावंत लाके देगी ना, मैंने तो दिए नहीं है पैसे, तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो राखी सावंत को ये खुला चैलेंज करती हूँ मैं और ये पूरी मीडिया आपको चैलेंज करती है, राखी सावंत आप प्रूफ दीजिए, आप प्रूफ दे दीजिए, एक भी कैमरा जिंदगी में मुझे कवर नहीं करेगा, ये मैं आज ओपनली बोल रही हूँ, आप सिर्फ प्रूफ दीजिए, जितने भी ये कैमरे वाले कभी जिंदगी में मेरे सामने नहीं आएंगे, ना कभी मैं इनके सामने खड़ी रहूंगी, आप केवल प्रूफ दीजिए, आपके ऊपर तो ये एलिगेशन है, मुझ पर तो ये एलिगेशन, मतलब मुझे तो ये कहा जाता है कि मैंने चोर को चोर क्यों कहा, राइट, देखिए मैं पढ़ के बताती हूँ आपको, मुझ पर ये इल्ज़ाम है कि चोर को चोर क्यों कहा, हाँ, क्यों सही बात कही, काहे ना कुछ और कहा, तो इस वजह से राखी सावंत मुझ पर इतना कीचड़ उछाल रही है, क्योंकि मैं अकेली लड़की हूँ जिसने चोर को चोर कहा है, और राखी तू दुनिया का सबसे बड़ा चोर है, अब तू जेल जाएगी, चोर की असली जगह यही है जहाँ मैं खड़ी हूँ, तू जेल जाएगी। थैंक यू सो मच राशि जी, थैंक यू सो मच, चलो थैंक।